जी हाँ दोस्तों, अभी भी आप सभी लोगों का ईडी न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों जुड़े रहिए ईडी न्यूज़ से, हम आप लोगों को हरियाणा की लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। अभी अभी आई बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज है, बुढ़ापा पेंशन को लेकर के बड़ी खुशखबरी आई है। पेंशन लेने वालों हो तो ये वीडियो जरूर देखिए। वहीं आपको बता दिया जाए कि PPP से आसान हुई पेंशन पाने की राह। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को PPP से जोड़कर पेंशन के पात्र लोगों को बड़ी राहत देने का काम किया है। ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत 7 अप्रैल को CM मनोहर लाल खट्टर ने जब योजना का शुभारंभ किया था, तो समाज कल्याण विभाग के मुख्यालय से की ओर से जिले के 79 लोगों की सूची भेजी गई थी, जिसके बाद अब 216 लोगों की सूची जिला मुख्यालय को मिली है। इस सूची के आधार पर पेंशन की शर्तों को पूरा करने वाले लोगों के पास विभाग के कर्मचारी पहुंच रहे हैं कि उन्हें पेंशन चाहिए या नहीं। इसका कारण यह भी है कि कई वृद्ध दूसरे स्रोतों से पेंशन ले रहे हैं, इसी वजह से विभाग घर घर जाकर के जांच कर रही है। और जिसको बुढ़ापा पेंशन की आवश्यकता है उसकी तत्काल बुढ़ापा पेंशन शुरू भी की जा रही है, और जिसको आवश्यकता नहीं है वो अपनी पेंशन कटवाना चाहते हैं तो उनकी बुढ़ापा पेंशन भी काटी जा रही है।